जीवन के हर काम में चाहे वो मांगलिक कार्य हो या फिर खाने की टेबल ही क्यों ना हो, हल्दी का इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। वही हल्दी खाने के स्वाद को भी बढ़ाता है, लेकिन आज हम इसी हल्दी के कुछ टोटके बताएंगे जिससे आपकी सारी समस्याएं आसानी से दूर होंगी। जी हाँ, ये जानते हैं उन उपायों के बारे में। इसके लिए आपको गांठ वाली हल्दी लेनी पड़ेगी। गांठ वाली हल्दी को एक पीले धागे में बांधकर अपने बाजू या फिर गले में पहन सकते हैं। आपको बता दें कि टोटका पीले रत्न की तरह काम करता है, जो बृहस्पति को मजबूत भी करता है, लेकिन आप ये सिर्फ बृहस्पतिवार को ही कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके अनेकों समस्याओं का समाधान चुटकियों में होगा। वही बात करें दूसरा उपाय, अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो या फिर पेट से संबंधित कोई बीमारी हो तो आप इस बीमारी से मुक्ति के लिए पीसी हुई हल्दी का दान करें। साथ ही रोज सुबह पीसी हुई हल्दी का तिलक लगाने से वाणी को शक्ति मिलती है। इसके अलावा आपके सारे कार्य संपन्न होते हैं। साथ ही अगर आप सूर्य देव को लोटे में हल्दी मिलाकर, यानी जल वाले लोटे में हल्दी मिलाकर अर्घ देते हैं तो इससे आपको फायदा होगा। वही लोटे में बचे हल्दी से आप उस हल्दी का प्रयोग अपने गले और माथे पर तिलक लगाकर कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। वही बात करते हैं आखिरी उपाय, इसके अलावा अगर आपके घर को कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा हो तो गुरुवार के दिन आटे के दो पेड़े बनाकर उसमें गीली चने की दाल के साथ गुड़ और थोड़ी सी पीसी काली हल्दी को मिलाकर किसी रोगी व्यक्ति के, यानी आपके घर में जो रोगी व्यक्ति है उसके ऊपर से 7 बार उसारा करके किसी गाय को खिला दें। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में व्यक्ति को आराम महसूस होगा। नेशनल स्पिरिचुअल से रानी की रिपोर्ट।